शहर मदीना मुनव्वरा का व्यू है कुछ इस तरह। यहाँ 9 फ्लोर से खूबसूरत व्यू दिख रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर अभी शर्म शरीफ की जो तवसीख का काम चल रहा है ना, ये देखो वो इस साइड पे चल रहा है। और ये 3 बेड है, ये 3 बेड वाला। यहाँ पर भी सेम ही सिस्टम है, एक बेड है, तलाजा है। उसको दिखाता हूँ, 5 बेड वाला कमरा, 5 बेड है भाई माशाल्लाह। ये तो बहुत ही बड़ा है भाई। यहाँ पर इंटर होते ही छोटी सी टेबल लगा हुआ है, साथ में ये 1, 2, 3, 4, 5 बेड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी कटेल है। बहुत सारे हमारे भाइयों का रिक्वेस्ट आया था भाई, हरम शरीफ के करीब कोई अच्छा सा होटल दिखा दे यार। मैं इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ जी, बिल्कुल हरम शरीफ के करीब, यानी आप यूँ समझो 0 मीटर, वो आप दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। शुरू करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अजीज़ खान, मदीना मुनासिब एनजीओ का। आगे देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। अभी मैं जी 339 गेट से बाहर निकल रहा हूँ आप दोस्तों की फरमाइश पे। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था भाई हरम शरीफ के करीब कोई अच्छा सा होटल दिखा दे, तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह हरम शरीफ के बिल्कुल करीब बहुत ही ज़बरदस्त होटल की आप दोस्तों को विज़िट कराने जा रहा हूँ। 39 नंबर गेट से ना बाहर निकल के आपको ये पहले लाइन है होटल की, इसको छोड़ के दूसरे को भी छोड़ के तीसरे लाइन पे जाना है, और वहाँ से लेके यार हरम शरीफ तक ये क्या है, 0 मीटर ही समझो, ये हरम शरीफ है और ये सामने वही होटल है। यानी अगर अजान भी हो रही है ना हरम शरीफ में, आप नमाज के लिए पहुँच सकते हैं आराम से। तो दोनों साइटों में शॉपिंग सेंटर भी बने हुए हैं। और यहाँ पर इंटर होते ही ना, यहाँ पर 2 बेड रूम है, और यहाँ पर 2 बेड लगा हुआ है। इंटर होते ही यहाँ पर जी छोटी सी टेबल है, कटेल रखा हुआ है साथ में, और यहाँ पर जी कैबिट है, कैबिट और साथ में लॉकर भी है माशाल्लाह, लॉकर भी है अंदर ही है, और यहाँ पर तलाजा भी है माशाल्लाह। तो तलाजा भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, और यहाँ पर इनकी तो ज़रूरत नहीं होती ना, आप लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते। एक और छोटी सी टेबल है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बेड है जी, ये 2 बेड का कमरा है। यानी काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है, यानी वो हरम शरीफ का व्यू तकरीबन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि साथ ही ना यहाँ पर बड़े होटल है इस वजह से। ठीक है जी, ये टू बेड वाला कमरा है। इनका रेट है ना मुख्तलिफ होता है, तकरीबन ये 200 तक भी आ जाता है, जब रश ना हो ना तो ये 200 तक आता है। फिलहाल यहाँ अभी मुहर्रम का महीने चल रहा है ना, इस वजह से इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर भी रिसेप्शन में जाके पूछ के आप दोस्तों को, वीडियो के आखिर में ना इसका नंबर भी शेयर करेंगे, और इसका प्राइस जब रश ज़्यादा होता है कितना होता है, जब रश कम होता है कितना होता है, सारा डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आप दोस्तों को दिखा देंगे। और यहाँ पर बाथ को मैंने ही दिखाया था, बाथ भी काफ़ी साफ़ सुथरा है माशाल्लाह, ये देखो। और यहाँ पर बाथटब भी लगा हुआ है, ये इनका बाथ है। ठीक है जी, बाथ भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ये आपका भाई सामने नज़र आ रहा है, और छोटी सी बात है लेकिन साफ़ सुथरी बात है। सबको दिखाता हूँ 5 बेड वाला कमरा, 5 बेड है भाई माशाल्लाह, ये तो बहुत ही बड़ा है भाई। यहाँ पर इंटर होते ही छोटी सी टेबल लगा हुआ है, साथ में ये 1, 2, 3, 4, 5 बेड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी कटेल है, और इसका बाथ है, बाथ भी वही है, यहाँ पर शैम्पू है, हाथ धोने के लिए साबुन भी सर्व करते हैं, और एक कमोट एरिया है इनका, और यहाँ पर बाथटब भी लगा हुआ है। यानी यहाँ पर भी काफ़ी साफ सुथरा माहौल है इस बात के अंदर। ठीक है जी, होटल है ना, काफ़ी साफ सुथरा होटल है। और ये 3 बेड है माशाल्लाह, 3 बेड वाला। यहाँ पर भी सेम ही सिस्टम है, कबेट है, तलाजा है, वो छोटी टेबल है, सब कुछ लगे हुए हैं यानी। और ये 3 बेड कमरा है। ठीक है जी, ये इनका बाथ है ना, इसका बाथ साथ ही अंदर ये लगा है, ये बाथ काफ़ी बड़ा बाथ है, जो 3 बेड वाला है ना इसका बाथ काफ़ी बड़ा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर बल्टअप भी लगा हुआ है, बात इसका काफ़ी आपको अभी दिखाता हूँ व्यू, इसका व्यू किस तरह है। ये लास्ट कोने में है, देखो
इसका व्यू काफ़ी खूबसूरत है। वो सामने है ना, देखो वो जब सामने होटल क्रॉस करोगे ना, इसके बाद हरम शरीफ है, वहाँ से यहाँ तक ये दो लाइन आगे, यानी तीसरे नंबर का, तीसरे लाइन का होटल है जिस वक्त हम खड़े हैं ना उसके, तकरीबन 9 फ्लोर पे कुछ इस तरह का व्यू है। ये 4 बेड है जी, अभी हम आ गए 4 बेड पे, यानी बेड के हिसाब से ना, कहीं पे 2 बेड है, कहीं पे 3 बेड है, कहीं पे 4 बेड है। अभी ये 4 बेड का कमरा है जी, 4 बेड का कमरा है। तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, माहौल काफ़ी साफ सुथरा है, छोटे 2 टेबल लगे हुए हैं, कैबिट है, कैबिट के साथ अंदर तलाजे भी लगे हुए हैं, ठीक है जी, और सेम ही सिस्टम है, ठीक है जी। इनका व्यू भी कुछ इस तरह है, हाँ इनका व्यू कुछ इस तरह है, देखो ये इनका व्यू है। तो यहाँ से तो बिल्कुल अपोजिट हरम शरीफ के जो रोड है ना वो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। शहर मदीना मुनव्वरा का व्यू है कुछ इस तरह, यहाँ 9 फ्लोर से खूबसूरत व्यू दिख रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर अभी हरम शरीफ की जो तवसीख का काम चल रहा है ना, ये देखो वो इस साइड पे चल रहा है, कितना ज़बरदस्त ज़ोर शोर से काम चल रही है इस वक्त हरम शरीफ के इर्द गिर्द। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट भी है, ठीक है जी। तो इनका रिसेप्शन एरिया, काफ़ी शॉप भी बना हुआ है छोटी सी, ठीक है, बैठने के लिए भी जगह है, और लॉबी काफ़ी साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। तो ये इनका रिसेप्शन है, बेल बॉय भी यहाँ पर खड़े है। और यहाँ से वो सामने देखो हरम शरीफ नज़र आ रहा है, ठीक है जी, और वो सामने हरम शरीफ है, और यहाँ पर ये होटल है, ठीक है जी। आप इसको ना ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा होटल है ये अरताल मुनव्वरा, ठीक है जी। अच्छा, फुंदुक अरताल मदीना मुनव्वरा की 2 होटल है, ठीक है, ये तकरीबन 3 स्टार होटल है, और इनका एक ब्रांच है ना आगे भी है, ठीक है। आप अच्छा, एक ब्रांच और अवाली में भी है, 3 ब्रांच होती हैं इनके। ये होटल है, काफ़ी साफ़ सुथरा होटल है, ठीक है जी। वो सामने हरम शरीफ भी आप दोस्तों को दिखाया। तो यहाँ का जो रेट होता है ना जी, ये मुख्तलिफ होता है। इस वक्त जो यहाँ का रेट चल रही है ना, 280 चल रही है, बस टाइम पे ये 200 रियाल पे भी आ जाता है। आज का ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगा, अगर आज का ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आप मदीना मुनव्वरा में कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना राय का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।